ओके जावा के सेशन के अंदर हम एरे uh, को डिस्कस करेंगे कि एरे क्या है कितने टाइप्स के होते हैं फर्दर uh, जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं uh, उसके कोड भी मेरे ब्लॉग पे मौजूद हैं uh, वो वहाँ पे मैं अपलोड करता रहूँगा तो वहाँ से भी वो चीज़ें मिलेंगी और आप लोगों को तो ड्यूरिंग लेक्चर ही मिल रहा है तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली समझते हैं कि एक्चुअली एरे uh, क्या चीज़ है ठीक है तो और उसके बाद फिर हम उसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके भी दे तो एरे की अगर आप एक्चुअल डेफिनेशन देखो तो नॉर्मली एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ दी एलिमेंट विच हैज कॉन्टिग्यूअस मेमरी लोकेशन यानी सेम डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है जिसको होमोजीनियस सिक्वेंस ऑफ दी वैल्यूज़ भी कहते हैं और कॉन्टीग्यूस मेमरी लोकेशन या एलोकेशन का मतलब ये है कि इसके जो मेमरी एड्रेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ Uh, इस तरह से ज्वाइन होते हैं कि उनकी रीडिंग काफ़ी आसान होती है यानी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है वन डबल जीरो टू तो सेकेंड का होगा वन डबल जीरो फोर या फिर वन डबल जीरो सिक्स हो सकता है वो टू बाइट या फोर बाइट के डिफरेंस में होगा तो इसीलिए इसको कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन कहा जाता है यानी मुलहलिक एक दूसरे से वो मिले हुए होते हैं जावा एरे इन एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप्स एडिशनली द एलिमेंट ऑफ द एरे आर ए स्टोर इन अ कंटीन्यूस मेमोरी लोकेशन इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर एज वेल विच वी स्टोर सिमिलर एलिमेंट वी कैन स्टोर ओनली अ फिक्स सैट ऑफ दी एलमेंट इन द जावा एर है तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलिकेशन हमने समझ लिया फिर उसके बाद हमने ये भी समझ लिया कि होमोजीनियस सिक्वेंस से क्या मुराद है सेम डेटा टाइप का एलिमेंट और जितने भी प्रिमेटिव डेटा टाइप्स हैं उनको यूज़ करते हुए उस डेटा टाइप का आप एरे क्रिएट कर सकते हो अब एरे तीन तरीकों से इस्तेमाल हो रहे हैं या तीन टाइप के हैं सबसे पहले यहाँ पर जो स्टैंप मौजूद है इसे हम वन डायमेंशनल एरे कहते हैं उसके बाद हमारे पास टू डायमेंशनल एरे है और उसके बाद हमारे पास जैग डेरे है तो वन डायमेंशनल एरे का मतलब ये है कि इसमें डायमेंशन जो है वो एक ही है जबकि टू डायमेंशनल पे आप देख रहे हो कि एज लाइक अ मैट्रिक्स वैल्यू को आप डिस्प्ले कर सकते हो यानी रॉज एंड कॉलम के बेस पे जबकि जैक का मतलब ये है कि एक एरे है टू डायमेंशनल का और उसके हर एक इंडेक्स के अंदर भी आप एक एरे बनाना चाह रहे हो यानी एरे इनसाइड अनदर एरे इसको हम जैक एरे कहते हैं ठीक है थीके? तो एलिमेंट रीडिंग की जो स्ट्रेटेजी है अगर आप इसे स्नैप पर देखो तो ये अगर एरे है इसके टेन एलिमेंट्स हैं यानी मैंने इंटीजर डेटा टाइप्स का एक एरे बनाया उसमें दस इंटीजर वैल्यू है सो द इंडेक्सिंग ऑफ द वैल्यूज स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम जीरो यानी पहला एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे मौजूद है फिर दूसरा वन पे एंड सो ऑन इस तरह से उसकी इंडेक्सिंग रीडिंग की जाएगी लिहाजा सबसे पहले हम नेटबीन पे चलते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम एक इंटीजर या किसी भी डेटा टाइप्स के बेस पर हम एक एरे कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम उसे किस तरह से आइट्रेट करते हुए उसकी वैल्यू को रीड करवा सकते हैं लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एरे इनिशलाइज और डिफ़ाइन कितने डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं तो मैंने लिखा इंटीजर ए डबल आर वन तो विच मीन इसका मतलब ये हुआ कि एक एरे है जिसका नाम ए डबल आर वन है और इसे मैंने सिर्फ और सिर्फ डिफ़ाइन किया है इनिशलाइज़ नहीं किया है फिर इसी तरह से मैं एक एरे बनाता हूँ एरे टू और उसके बाद मैंने न्यू इंट कीवर्ड के साथ इसका साइज डिफाइन कर दिया लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है तो न्यू इंट टू ठीक है अब एलिमेंट्स किस तरह से आएंगे वो आप लूपिंग के थ्रू या स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए यूजर से लोगे और उसमें एलिमेंट सेव करवाओगे तीसरा तरीका ये है कि आप एक और एरे क्रिएट करो और यहाँ पर आने के बाद न्यू इंट के साथ आप यहाँ पर अपने एलिमेंट जो डिफ़ाइन करना चाहते हो उसके अंदर जिस डेटा टाइप्स के भी वो अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप्स जैसे मैंने यहाँ इंट लिखा है आप यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हो और चौथा तरीका ये है कि आप एरे को डायरेक्टली करली प्रेसिस से यहाँ पर डिफाइन कर लें तो ये चार तरीके हैं कि एरे को डिफ़ाइन और इनिशलाइज़ करने के और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक फिल्ड एरे यानी अगर मैं एरे थ्री की बात करूं तो मैं इसे डिस्प्ले कैसे करवा सकता हूं तो एरे की डेफिनेशन के बेस पर हमारे पास एक लूप है जो हम लूप वाले सेशन पे देख देख चुके हैं जिसको हम फॉर ईच कहते हैं तो उसके ज़रिए से कलेक्शन ऑफ़ वैल्यू को हम आइट्रेट करके डिस्प्ले करवा सकते हैं तो मैं फॉर ईच लूप बनाऊंगा बाय यूजिंग फॉर उसके बाद मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया और अपने एरे थ्री को एक्सेस किया और उसके बाद एरे थ्री के तमाम एलिमेंट एक एक कर इस आई वेरिएबल में आके सेव होंगे और उसके बाद डिस्प्ले हो जाएंगे जो मैं बॉडी के अंदर करूंगा तो मैंने ऐसा आउटलिक का टैप प्रेस किया और यहां पर मैंने लिख दिया आई कॉन करते हैं इस आई के साथ एक स्ट्रिंग को और मैंने कहा एरे एलिमेंट्स और उसके बाद मैंने अपने कोड को एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हैं कि एरे के तमाम एलिमेंट्स साइट्रेट होके बाई यूजिंग फॉर इच लॉजिक आ, आ चुके हैं इसी तरह से दूसरा सवाल ये होता है कि क्या मैं फॉर लूप के जरिए से भी ये काम कर सकता हूँ जो बिल्कुल काम कर सकते हैं आप फॉर इच फोर के जरिए से भी फॉर का लूप बनाएं जहां पर टेन लिखा है इसकी जगह पर आप एरे की लेंथ कॉल कर लें तो मैंने लिखा एरे थ्री डॉट एल ई -e एन जी टी एच तो एरे की जो भी लेंथ है विच मीन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि अगर उसमें दस एलिमेंट है तो यहाँ पर टेन लिखा आएगा लेस देन का मतलब है नाइन्थ तक तो जीरो से नाइन टेन हो गए सेम इस लाइन को मैंने यहाँ से कॉपी किया यहाँ पेस्ट किया क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल आई है और यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर लूप ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कौन सी चीज़ फॉर के ज़रिए से हो रही है और कौन से फ़ोरिच तो पहला लूप अपनी जगह पर मौजूद है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ और ये सेकेंड फॉर के ज़रिए से मैंने तमाम अच्छा जी एक चीज़ मिस यहाँ पर ये यह हो रही है कि जब मैंने यहाँ पर फॉर लूप इस्तेमाल किया है तो मुझे एरे के एलिमेंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है तो मैं इस जगह पर आऊँगा और यहाँ लिखूँगा एरे थ्री सही है और उसके बाद इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर इसे इनक्लोज कर दूंगा तो यहां पर जो एरे थ्री है और उसके बाद आई लिखने का मकसद ये है कि एक एक एलिमेंट आई के रिस्पेक्ट से एरे से लेकर आओ उसको डिस्प्ले करो ठीक है और उसके बेस पर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ सेम वैल्यू तो इस वक्त तक हमने ये देखा कि एरे बनाते किस तरह से हैं और उसके बाद उसे आइट्रेट uh, करते हुए डिस्प्ले कैसे करवाते हैं अब हम ये देखते हैं कि क्या मैं इस एम टी एरे में अपने मर्जी के मुताबिक किसी एलिमेंट को स्टोर करवा के उसको प्रिंट करवा सकता हूँ या नहीं तो सबसे पहले तो इस कोड को हम कमेंट कर लेते हैं तो मैंने यहाँ से स्लैश स्टैरिक और इस्टरिक स्लैश कर लिया मल्टी लाइन कमेंट के ज़रिए से और अब हम एरे टू को टारगेट करते हैं सबसे पहले वैल्यू एंटर करने के लिए लिहाजा इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया काउंट इक्वल टू जीरो ठीक है उसके बाद एक फॉर लूप बनाया अच्छा फॉर लूप यहां पे मैं क्यों बना रहा हूं ताकि मैं हर एक एलिमेंट पे जाकर एक वैल्यू स्टोर करवा सकूं ठीक है ना अब वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम यहां पर एरे टू को टारगेट करेंगे तो मैंने कहा एरे टू डॉट लेंथ सही है अब यहां पर एंटर करने के लिए मैंने कहा कि जो भी वैल्यू है एरे की तो मैंने एरे टू को कॉल किया उसके एलिमेंट को कॉल करने के लिए आई और यहां पर मैंने लिखा काउंट प्लस प्लस इसका मतलब एक्चुअली ये है कि काउंट में इनिशियल वैल्यू है जीरो ठीक है तो पहले इंडेक्स पे जाके जीरो स्टोर हो गया अब जब ये लूप दोबारा चला तो इस प्लस प्लस के जरिए से यानी यूनरली ऑपरेटर के जरिए से जीरो क्या हो गया वन दूसरे इंडेक्स पे वन स्टोर हो गया फिर तीसरे पे टू थ्री फोर एंड सो ऑन तो वो मल्टीपल वैल्यूज इस वक्त किस में जाकर स्टोर हो रही है एरे टू के टेन इंडेक्सेस पर जब ये तमाम स्टोर हो गई तो अब इसी फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए मैं इनकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा लूंगा तो डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने ये लाइन कॉपी की इससे रिप्लेस कर दिया और जहां पर एरे थ्री लिखा हुआ है उसकी जगह मैं टू लिख दूंगा क्यों क्योंकि टू को हम यूज कर रहे हैं जो कि यहां पर टेन एलिमेंट के साथ ब्लैंक है और उसके बाद तमाम चीजें कमिटेड है प्रोग्राम रन करते हैं लेट सी आप देख रहे हो जीरो से लेकर नाइन तक के तमाम एलिमेंट्स इस काउंट वेरिएबल के जरिए से पहले तो सेव हुआ है और सेव होने के बाद नीचे डिस्प्ले हो गए तो वन डायमेंशनल एरे को लिखने का तरीका उसको डिस्प्ले करवाने का तरीका उसमें वैल्यू इंसर्ट करवा के डिस्प्ले करवाने का तरीका हमने यहां पर देखा तो अब हम चलते हैं टू डायमेंशनल की तरफ तो टू डायमेंशनल की डेफिनेशन ये कहती है कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी दोनों डायमेंशन की वैल्यू बतानी है तो इसके लिए हम अनकमेंट करके तमाम कोट को ही कमेंट कर देते हैं ठीक है तो वन डायमेंशनल की जो डेफिनेशन इनिशलाइजेशन की थी वह मैं यहां पेस्ट करता हूं और अब मैं हर जगह बगौर देखिएगा एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऐड करते जा रहा हूं यह एक्स्ट्रा ब्रैकेट ये बता रही है कि एक्चुअली तुम रॉ भी ऐड करवाना चाहते हो और कॉलम भी ऐड करवाना चाहते हो तो फर्स्ट वाली तो बिल्कुल ठीक है लेकिन सेकंड में आप देख रहे हो यहाँ पर टेन का मतलब है टेन रॉ तुम ठीक है भाई आप टेन रॉ कर लें टेन कॉलम कर लें या फिर आप थ्री रॉज थ्री कॉलम कर लें ठीक है तीसरा तरीका हमारे पास टू डायमेंशनल एरे का है तो टू डायमेंशनल के लिए आप रॉज एंड कॉलम वाइज वैल्यूज बताते हैं तो इस ब्रैकेट के अंदर मजीद मैं ब्रैकेट बनाऊंगा एज लाइक like दिस और इसके अंदर कलेक्शन ऑफ वैल्यू लिखूंगा तो मैंने इस तरह से एक वैल्यू लिखी ठीक है मैं इसको एक वैल्यू क्यों कह रहा हूं अभी हमें बात समझ में आएगी इसका मतलब यह है फर्स्ट रॉ फिर यह है सेकेंड रॉ यह है थर्ड रॉ ठीक है तीन रॉज हो गए तो तीन कॉलम्स भी हैं उसके टू डायमेंशनल एरे बन गया सेम वैल्यूज को मैंने यहां से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहां पर भी पेस्ट कर दिया तो सेम लॉजिक के साथ एरे फोर भी हमारे पास रेडी हो चुका है तो टू डायमेंशनल एरे किस तरह से इनिशियलाइज एंड डिफाइन किए जाते हैं वो हमने यहां पर देख लिया अब बारी आती है आइट्रेट करने की तो आइट्रेट करने के लिए आप नेस्टेड फॉर लूप बनाओगे यहां पर क्योंकि यहां पर आई और जे दोनों की वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं तो मैंने फॉर लूप एक क्रिएट किया फिर एक सेकेंड फॉल्ड बनाया और यहाँ पर आने के बाद एस आउट के जरिए से मैंने कहा एरे की जो भी वैल्यू है ठीक है तो यहां लिखा मैंने आई यहां लिखा जे और इसको कॉन्केटिनेट किया विथ स्पेस और इस बॉडी के बाद आकर स्पेस ले लेता हूँ ठीक है तो अब इसकी हम लॉजिक समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है तो मैंने एरे थ्री को कॉल किया देखें एरे थ्री के अंदर इस वक्त तीन रॉज एंड तीन कॉलम है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टेन के बजाय मैं थ्री लिखूंगा और यहाँ पे भी टेन के बजाय थ्री लिखूंगा ताकि जीरो वन टू चले तो तीन रॉज हो गए और जो नेस्टेड वाले जीरो टू थ्री है वो भी कॉलम हो गए उसके बेस पर मैंने कहा हर एक एलिमेंट में जो जो वैल्यू मौजूद है यानी वन टू थ्री फोर उसको एक लाइन पर डिस्प्ले करो नेस्टेड का मतलब ये है कि ये तीनों एक लाइन पर होगी फिर एक लाइन ब्रेक हो जाएगी फिर ये तीनों एक लाइन पर होगी लाइन ब्रेक और फिर ये याजा इस बेस में प्रोग्राम चलाऊंगा तो टू डायमेंशनल एरे एक मैट्रिक्स के फॉर्म पर डिस्प्ले हो जाएगा एन सही है तो इस तरह से हमने टू डायमेंशनल को आइट्रेट करते हुए डिस्प्ले करवाया फिर एक सवाल ये हो सकता है कि क्या मैं इस ब्लैंक एरे पे अपनी मर्जी से वैल्यू को स्टोर करा के डिस्प्ले करवा सकता हूं जो बिल्कुल करवा सकते हैं बाय यूजिंग सेम लॉजिक जो हमने वन डायमेंशनल में यूज किया इसके लिए मैं यहां पर आता हूं मैंने एक और लूप बनाया फॉर फिर एक और हम यहाँ पर आते हैं एंटर यहाँ पे भी सबसे पहले हमें क्या करना है एक वेरिएबल काउंट के ज़रिए से वैल्यू स्टोर करवानी है तो मैंने काउंट की इनिशियल वैल्यू कर दी ज़ीरो और यहाँ पर आने के बाद इस जगह पर मैंने कहा जो हमारा एरे है ना एरे कौन सा यूज़ करूँगा मैं एरे टू तो एरे टू का इंडेक्स आई और जे तो रहा आई ये जे इसके अंदर काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर करके एक इंडेक्स पे ऐड करते रहो जीरो वन टू थ्री नाइन नंबर टाइम ऐड होंगे यहां तक तो ऐड हो गए ऐड होने के बाद अब डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने इसी लूप को कॉपी किया नीचे पेस्ट किया इस लाइन को रिप्लेस कर दूंगा ये वाली लाइन से कॉपी पेस्ट जहां पर एरे थ्री लिखा हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा टू क्योंकि एरे टू को इस्तेमाल कर रहा हूं बाकी जितने कोड हैं उसको मुझे कमेंट करना होगा तो मैंने इसे यहां से हटाया यहां तक कमेंट कर दिया इस वेरिएबल को हमें यहां से हटाना होगा क्योंकि इसी के बेस पे हमारी लॉजिक चल रही है सो लॉजिक इंक्रीमेंट के जरिए से वैल्यू इंसर्ट हो रही है और सेकंड लूप में उन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाया जा रहा है मैंने प्रोग्राम रन किया ओके बाउंड इंडेक्स आउट ऑफ वैल्यू एक्सेप्शन थ्री बिल्कुल क्योंकि मैंने यहां पर लूप को यूज तो किया है वैल्यू चेंज नहीं की है क्योंकि मुझे यहां थ्री थ्री करनी होगी इसकी वजह यह है कि जिस एरे टू को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो थ्री बाय थ्री का है यही वजह है कि मैंने रॉज एंड कॉलम की वैल्यू ये यूज़ की है और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का मतलब भी ये है कि इंडेक्स की वैल्यू आउट हो रही है देखें तमाम वैल्यूज़ आ गई मैट्रिक्स के फॉर्म पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है इसकी वजह यह है कि यहाँ पर मैंने प्रिंट तो यूज़ किया है लेकिन यहाँ पर प्रिंट एलन यूज़ नहीं किया यहाँ पर आता हूँ एलन लिखा जैस टर्मिनेट किया एंड हेरड टू डी के जरिए से भी है एग्जीक्यूट हो गया तो जो काम हमने वन डी के ज़रिए से पहले किया था अब वही मैंने यहाँ पर टू डी के ज़रिए से किया कि हम आ, इंडेक्स को किस तरह से आइट्रेट करते हैं किस किस तरह से वैल्यू पे जम्प करते हैं और डिस वैल्यू इंसर्ट कराना एरे के अंदर या उसको डिस्प्ले करवाना और इनिशियली हर एक वैल्यू का एक स्पेसिफिक इंडेक्स है इस वैल्यू का इंडेक्स जीरो है ये वन है ये टू है इसी तरह से सो ऑन चलते हैं टू डायमेंशनल के अंदर जो इंडेक्सिंग की लॉजिक है वो कुछ इस तरह से होती है यानी ज़ीरो ज़ीरो ठीक है तो अगर आप वन डी में देखो सबसे पहले हम वन डी पर सिंपल देख लेते हैं इंडेक्स ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर कोई भी नंबर लिख लिया हमने फाइव सेवन नाइन एट टू वन ज़ीरो नाइन ठीक है या फिर फाइव सिक्स तो जितने नंबर्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं इंटीजर में लेकिन इसके इंडेक्सेज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो टू ऑनवर्ड लेकिन यही चीज़ अगर टू डायमेंशनल एरे में होगी तो आप देखें टू डी का एरे इस तरह से होता है ये रहा ज़ीरो वन थ्री जीरो वन टू थ्री अब ये इंडेक्सेस है अब इस इंडेक्सेस को आसान तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं कोई आपसे पूछता है कि यहां जो नंबर लिखा है उसका इंडेक्स नंबर क्या है बहुत आसान है इस लाइन से सीधे पे देखें यहां क्या नंबर है और इसके टॉप पे देखें क्या नंबर है तो ये टू कॉमा टू यानी सेकंड रॉ के सेकंड कॉलम पे इसी तरह ये इसके स्टार्ट पे देखें वन कॉमा थ्री यानी वन रॉ पे थर्ड कॉलम पे ये इंडेक्सिंग के तरीके तो सेकंड टू डायमेंशनल एरे क्या है और किस तरह से एक्सेस होता है वो हमने देख लिया इसी तरह से कोई पूछता है सर थ्री डी डायमेंशन डेटा बना सकते हैं जी बिल्कुल थ्री डी भी बना सकते हैं फाइव डी भी बना सकते हैं जितने डायमेंशन आप बढ़ाओगे उतनी ही डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ठीक है जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं एक थ्री डायमेंशन डेटा को सिर्फ और सिर्फ इनिशलाइज करके आपको दिखाता हूँ सो यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट हाउ कॉम्प्लेक्स डेटा विल बी तो इस कोड को हमने यहां से किया टर्मिनेट ठीक है जो वेरिएबल्स यहां पर टू डायमेंशन पे थे मैंने इसे कॉपी किया यहां पेस्ट कर दिया अब आप इसको थ्री डी में जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मैं थ्री डी में से किस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूं सबसे पहले तो यहां पर मैंने एक और कॉलन ब्रैकेट बनाया यानी एक्स वाई एंड जेड तीन एक्सेस हो गए यहां पर भी यहां पर भी सॉरी तो इसका मतलब क्या हुआ थ्री थ्री एंड थ्री एक्स एक्सिस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस थ्री थ्री नाइन नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन ठीक है ना तो 27 एलिमेंट होंगे इसके अंदर इसका मतलब यह है इसी तरह से यहां पर कोई भी एन वैल्यू होगी वो आपस तीनों में मल्टीप्लाई होगी आपस में और जो उसका प्रोडक्ट आएगा वही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा अब आते हैं ये बात एरे थ्री की एरे थ्री के अंदर क्या होगा इसको हमें समझना है देखिए मैंने इस ब्रैकेट को एंटर किया इस ब्रैकेट को भी एंटर किया और उसे डिलीट कर दिया अब यहां हमें समझना है देखें ये ब्रैकेट तो रेंज के लिए है ना स्टार्टिंग और क्लोजिंग अब मैं यहां पर वैल्यू बता रहा हूं टू टाइम मैंने एक टाइम ब्रैकेट ओपन किया इसको तो यहां पर आप ये फर्स्ट ब्रैकेट है इस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट फिर एक और ब्रैकेट फिर एक और ब्रैकेट सही अब मैं इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू बता रहा हूं वन टू थ्री थ्री टू वट एवर जो भी है उसके बाद फाइव फोर टू कॉमा इस पूरे लाइन को यहां से कॉपी किया पेस्ट पेस्ट और उसके बाद यहाँ पर ठीक है तो ये एक चीज मिस थी वो मैंने यहाँ पर ऐड किया तो ये थ्री डायमेंशन की एक प्रॉपर एग्जांपल है इसी तरह जितने डायमेंशन बढ़ते रहेंगे उतनी ही ब्रैकेट बढ़ती रहेगी सेम इस ब्रैकेट वैल्यू को यहाँ से मैंने कॉपी किया और इससे इसके अंदर रिप्लेस कर दिया इस बॉडी में दैट्स इट यहां पर स्पेस बढ़ाया हमने और इस तरह से हमारा थ्री डायमेंशन एरे की वैल्यूज़ डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से और इनिशलाइज इनिशलाइजेशन के रिस्पेक्ट से रेडी है यही चीज़ हमने वन डी के लिए किया फिर टू डी के लिए किया और थ्री डी के लिए भी हमने किया लास्ट जो हमारा पार्ट है एरे का वो है जैक डेरे तो जैक डेरे को आप स्नैप से देख के ही प्रॉपरली समझ सकते हो कि आपके पास एक एरे है और उस एरे वो ऑरिजनली टू डी है ठीक है ना ऑरिजनली वो एरे किस में टू डी में तो अभी हमने टू डी में देखा आपके पास रॉज है और कॉलम है अब मैं ये कहता हूं कि इस रॉक के अंदर मैं एक और एरे बनाना चाहता हूं आप देख रहे हो एलिमेंट जीरो के अंदर एक एरे वन डायमेंशनल का फिर इसी तरह से इंडेक्स नंबर के अंदर एक और एरे अभी तक हमने हर एक इंडेक्स में एक वैल्यू स्टोर करवाई है अब हम एक इंडेक्स के अंदर एक और एरे बना रहे हैं तो ऐसे एरे को हम क्या कहते हैं जैग्ड एरे कहते हैं अब हम इससे प्रैक्टिकली देखेंगे मजीद कलरिफाया होगा ये हमें तो मल्टीलाइन कमेंट को हम बढ़ाते हैं और एक छोटी सी एग्जाम्पल से हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे तो सबसे पहले मैं एक एरे क्रिएट करता हूं टू डी ठीक है ना तो टू डी के लिए मैंने यहां लिखा न्यू इंटीजर थ्री एंड ब्लैंक अब यहां पर समझना हमें यह है कि मैंने कहा है थ्री रॉज होंगे लेकिन कॉलम की क्वांटिटी मैंने अभी तक नहीं बताई है ठीक है ना तो, तो अब हमें करना क्या है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें यह करना है कि एक इंडेक्स के अंदर एक और एरे बनाना है तो थ्री रॉस तो आपने बता दिया लेकिन कॉलम नहीं बताया कॉलम हम एरे के जरिए से बनाएंगे कैसे मैंने कहा हमारे पास जो एरे है ना उसके इंडेक्स नंबर जीरो पर यानी पहले इंडेक्स पर एक एरे बनाओ जिसका साइज होगा थ्री सही है फिर इसके इंडेक्स नंबर वन पे एक और एरे वन डायमेंशनल का होगा फिर इसके थर्ड पे भी यही होगा तो मैंने इस पर कहा इसमें टू एलिमेंट ले आओ और इसमें फोर एलिमेंट ले आओ इसको कहा मैंने वन इसको कहा टू तो आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि टू डी एरे के अंदर हम हर एलिमेंट के, के अंदर जाने के बाद एक वन डायमेंशनल एरे बना रहे हैं और उसके साइज भी बता रहे हैं यानी क्वांटिटी ऑफ रॉस तो तीन है लेकिन कॉलम एक के चार हैं सॉरी एक के तीन है एक के दो है और एक के चार है ठीक है पहली चीज तो ये हो गई अब कहा जाता है भाई वैल्यू फिल कराएं इसमें ठीक है वैल्यू वही लॉजिक से हम फिल करवाते हैं मैंने कहा इंटीजर काउंट equal to zero for for ठीक है यहां पर आने के बाद मैंने कहा जो एरे है हमारा आ, उसके i एंड j तो मैंने कहा i एंड j इज इक्वल टू काउंट प्लस प्लस दैट्स इट अब हमें यहां पर एक चीज समझनी है कि यहां पर एरे की लेंथ काउंट होगी तो मैंने कहा एरे डॉट लेंथ फिर इसी तरह से जहां पर टेन लिखा हुआ है वहां पर भी यहाँ एरे ऑफ लेंथ इस्तेमाल करेंगे यानी जो रॉज है कॉलम है लेकिन अभी हमारी बात यहां पर इसलिए क्लियर नहीं हुई कि जहां पर लेस देन इक्वल टू एरे है ना यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे एरे ऑफ आई ये अब ये मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी मैं इसकी वजह बताता हूँ जब मैं इसमें डिस्प्ले में जा रहा हूँ तो ठीक है तो पहला काम हमने ये किया मैंने इस पूरे लूप को कॉपी किया यहाँ पर आके पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद जो लाइन हम डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मैंने यहाँ से कॉपी किया और इस जगह पर आकर मैंने पेस्ट किया और जहाँ पर एरे लिखा हुआ वो मैंने हटा दिया और मैट्रिक्स के फॉर्म पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ तो मैं सेकंड वाले पे क्या करूँगा प्रिंट एल लिख दूंगा मैंने इसे पेस्ट किया यहाँ पर और इसके साथ एल एन इस तरह से टर्मिनेट कर दिया अब हम अंडरस्टैंड करते हैं इसकी वजह क्या है जो यहाँ पर आई लिखा है मैंने इसको हम स्नैपिंग टूल से समझते हैं देखो जब आपने एक एरे क्रिएट किया ना जैसे इग्नोर है ये आपका एरे जिसके तीन रॉज है वन टू थ्री क्योंकि आपने इनिशलाइजेशन लेवल पे ही बता दिया उसके बाद सेकंड लेवल में आपने ये बताया अपने कोड के मुताबिक कि पहली रॉ में कितने एलिमेंट होंगे वन टू थ्री सेकंड में आपने बताया वन टू जबकि थर्ड में क्या बताया वन टू थ्री एंड फोर अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं डेटा को इंसर्ट करवा रहा हूं तो मैं नेस्टेड बॉडी में अगर ये बता दूंगा कि एरे की लेंथ ही देखो तो वो हर में एक ही क्वांटिटी पे वैल्यू को इंसर्ट करता जाएगा यानी पहले राव में भी पांच कर देगा फॉर एग्जांपल दूसरे में भी पांच कर देगा तीसरे में भी पांच कर देगा तो मैंने ये कहा कि आई की वैल्यू के रिस्पेक्ट से रॉस देखो यानी अगर तुम इंडेक्स नंबर जीरो पर मौजूद हो इस जगह पर तो यहां पर देखो इसकी क्वांटिटी क्या है थ्री तो इसका मतलब है यहां पर कितनी वैल्यू आएंगी थ्री जब तुम इस इंडेक्स में पहुंचो तो यहां पर साइज़ देखो टू तो यहां पर दो वैल्यू दे दो और जब यहां पहुंचो तो साइज़ देखो कि इसमें कितनी वैल्यू है वो उतनी ही वैल्यूज़ आप उस वेरिएबल के इंडेक्स में इंटर्ड करवा दो जिस तरह से वैल्यू इंटर्ड होते वक्त आई उसी तरह से वो डिस्प्ले होने के बाद भी यानी डिस्प्ले होते वक्त भी उसी लॉजिक को इस्तेमाल करेगी कि एक रॉ में कितने एलिमेंट हैं उसको लेकर आओ अब इस बेस पर मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड लेट सी Here it is. आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम लॉजिक के तहत जिस तरह से मैंने यहां पर डिस्प्ले करवाया बिल्कुल उसी लॉजिक से हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है कि फर्स्ट रॉ के अंदर तीन है दूसरे में दो है और तीसरे लाइन पर चार एलिमेंट आ रहे हैं बाई यूजिंग जैक्ट एरे डेफिनेशन तो इस तरह से ओवरऑल इस सेशन पर हमने देखा कि एरे क्या है क्यों इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन से क्या मुराद है होमोजीनियस का मतलब सेम नंबर ऑफ दी सेम डेटा टाइप्स का कलेक्शन है फिर उसके बाद वन डायमेंशनल एरे टू डायमेंशनल एरे थ्री डायमेंशनल एरे देखा यानी मल्टी डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन के मुताबिक उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की और एट लास्ट हमने जैक टेरे देखा कि जैक टेरे क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है और उसको हमने एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के तहत सॉल्व करके देखा